एक खूबसूरत सा पतला सा स्लिमर रेड स्नेक है जो करीब 4 से 5 फुट लंबाई में है और खूबसूरत है। इसने मैं ज़्यादा देर वेट नहीं करवाया। सांपों में सबसे खूबसूरत सांप मुझे रेड स्नेक लगता है। बार बार मैं यही बताता रहता हूँ और जैसे ही ये सांप मुझे नज़र आता है मैं बड़ा ही खुश हो जाता हूँ क्योंकि ये प्रकृति के लिए बेहद आवश्यक सांप है। ये खूबसूरत सा सांप तोंदवाल कृषि फार्म में हमने तीसरी बार एक सांप रेस्क्यू किया है। इसमें 2 कोबरा सांप इससे पहले हम रेस्क्यू कर चुके हैं और ये एक रेड स्नेक है। बहुत ही खूबसूरत और शांत स्वभाव सांप है। ये 203 कलर में ये सांप होता है और ये भारत की मुख्य नस्लों में से एक है। खूबसूरत बात ये है कि इसकी आँखें बेहद खूबसूरत होती हैं और ये इसका चेहरा भी काफ़ी खूबसूरत होता है। ये बाई चांस कई बार बचाव में बाइट कर लेती हैं लेकिन इनका बाइट खतरनाक होता नहीं है। लोग समझते हैं कि ये सांप बहुत ही जहरीला है और कई बार तो लोग अलग अलग अंधविश्वास से भी बात करते हैं कि ये कभी गायों का या भैंसों का दूध पी जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता दोस्तों। ये किसान का एक तरीके से मित्र सांप है, बिल्कुल भी जहरीला नहीं है। हालाँकि मैं यही कहूँगा कि वीडियो देख कर कॉपी ना करें क्योंकि बहुत सी नस्लें बेहद जहरीली भी होती हैं। हालाँकि रेड स्नेक बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है दोस्तों, इस खूबसूरत से सांप को रिलीज़ कर देंगे अभी कहीं जंगल में ले जाकर ताकि ये लोग इसे डर कर मारे ना। चलो राधे राधे दोस्तों, देख सकते हैं हमने एक रेड स्नेक का रेस्क्यू किया है। सुबह सुबह का ही समय है। ये एक तोंदवाल कृषि फार्म से हमारे पास कॉल आ गया था और हम रेड स्नेक के बारे में लोगों को बताते हैं कि इसके रेस्क्यू करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी लोग मानते नहीं है, हमें जाना पड़ता है। हालांकि हमें पता है कि रेड स्नेक नुकसानदायक बिल्कुल भी नहीं होते लेकिन वो लोग अगर हम नहीं पहुँचते तो इन जीवों को मार देते हैं, इसलिए हमें इनका भी रेस्क्यू करना पड़ता है। हालाँकि इनसे लोगों को खतरा बिल्कुल भी नहीं होता लेकिन लोगों से इन सांपों को खतरा अवश्य होता है, इसलिए हम इनको बचाने का काम कर रहे हैं। अभी एक कृषि फार्म से ही फ़ोन आया तो हमें जाना पड़ा, वहाँ कोबरा की सूचना थी लेकिन मिला हमें रेड स्नेक। तो रेड स्नेक को ज़्यादा खतरा मैं तो मानता नहीं हूँ लेकिन लोग कितना ही समझाने पर भी ये चीज़ नहीं मानते कि रेड स्नेक खतरनाक है या नहीं है। तो हमें इनको बचाना, हमारा मुख्य उद्देश्य इनको बचाना है। तो चाहे ये जहरीले हों चाहे नहीं हों लेकिन हमें इनके साथ काम करना बेहद अच्छा लगता है। जब हम किसी जानवर की जान बचाते हैं तो हमें बड़ी खुशी मिलती है क्योंकि वो लोग इसको, सीधी सी बात है, अगर हम टाइम पे नहीं पहुंचते तो वो इसे मारने वाले थे। तो इस सांप को यहीं इस खूबसूरत जगह में रिलीज़ कर देंगे। कुछ दिन पहले थोड़ी दिक्कत होती थी क्योंकि ये बहुत सूखा एरिया है और बहुत गर्म एरिया है लेकिन अब बढ़िया बात ये है कि ये थोड़ी बरसात का मौसम चालू हो गया तो इन जीवों को बिल्कुल भी खतरा नहीं है। ये हर जगह अपने आप को एडजस्ट वैसे कर लेते हैं लेकिन अब तो इन्हें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने वाली क्योंकि अभी 2 दिन पहले हमारे यहाँ अच्छी बरसात हुई है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बरसात का मौसम शुरू होता है क्योंकि इन जीवों के लिए ये एक तरीके से जन्नत जैसा माहौल होने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, इस खूबसूरत से सांप को यहीं रिलीज़ करेंगे। जब तक के लिए हमारे साथ रहिए। तो दोस्तों, मैंने इसको यहाँ रिलीज़ करने का मूड बनाया ही था कि मुझे एक प्राचीन सी मानव निर्मित एक गुफा नज़र आई है, आप देख रहे होंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना इस गुफा के पास चल के देख लिया जाए और इस सांप को भी यहीं रिलीज़ कर दिया जाए। और मुझे आश्चर्य की बात है कि ये काफ़ी पुराना बना हुआ, यानी कि 100-200 साल पुराना मैंने पहली बार ही देखा है। मैं इस जगह इसको रिलीज़ करने के लिए फ़र्स्ट टाइम आया हूँ तो मुझे ये गुफा भी नज़र आ गई। तो सोच रहा हूँ इसको नज़दीक से और देख लिया जाए और आपको भी दिखाया जाए। जब तक के लिए थोड़ा सा बने रहिए हमारे साथ। आप देख सकते हैं ये अंदर से एक गोल तरीके से बनी हुई है। इसमें ये दीवारें काफ़ी पुरानी हैं और ये पत्थर काफ़ी हवा में था। इसका पीछे वाला हिस्सा, इसमें टिकाव कहीं था नहीं अगल बगल में, तो किसी ना किसी
मानव ने इसे बाद में थोड़ा सा निर्मित किया है। ये दीवारें आप देख रहे होंगे ये बाद में बनी हुई है, और हो सकता है किसी साधु महात्मा के लिए ये जगह यहाँ बनी हुई हो, उन्होंने कभी कोई तपस्या वगैरह की हो, क्योंकि हमारी ये पावन धरती है तो यहाँ पर ऐसा बहुत तपस्वी लोग ऐसे बहुत तपस्या किए हुए होंगे। तो अभी इसके लिए किस तरीके से अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है कि ये गुफा किसने बनाई, क्यों और कब बनाई, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि कई सालों से सदियों से यहाँ बनी हुई है। तो आज पहली बार ही मुझे ये गुफा नज़र आई यहाँ रिलीज़ करते समय, तो मेरा मन हुआ कि मैं इस सांप को इसके आसपास ही छोड़ देता हूँ। वैसे हो सकता है ये कोई वाकई में पवित्र जगह भी हो तो हमारे लिए भी अच्छा हो, तो मैं इसे प्रणाम भी करता हूँ और बहुत जल्द फटाफट के अंदाज में इस सांप को यहीं रिलीज़ कर देते हैं। बाकी ये काफ़ी बड़ी गुफा है, इसमें दो चार लोग आराम से बैठकर इसमें रात बिता सकते हैं, और मुश्किल समय में पैंथर वगैरह भी मेरे ख्याल से इसमें अपना समय बिता सकते हैं, हालांकि ये पैंथर ऐसा कर नहीं सकते, काफ़ी बड़ी है। सांप को यहीं रिलीज़ कर देते हैं। चलो दोस्त चलो, ये इस गुफा की तरफ भी जा रहा है, जैसा कि मैं चाह ही रहा था कि ये इसमें चला जाए, हालांकि ये बाद में कहीं भी जाए, लेकिन हमने इसको इस गुफा में रिलीज़ कर दिया और ये अभी चला गया है। यहाँ बहुत सारी जगह है इसकी छुपने के लिए, ये अंदर चला गया है, आप देख रहे होंगे। इसे बहुत ही खूबसूरत जगह हमने यहाँ उपलब्ध करवा दी है, काफ़ी खूबसूरत सांप है ये।